लोकल क्षेत्र के नागरिकों को काम देने के साथ साथ फिल्म निर्माण में मनीष सिंह राजपूत अंग्रेज और ब्रिटिश सरकार की लड़ाई को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने जा रहे हैं। उनकी फिल्म का नाम क्या है और ये कब तक दर्शकों के लिए तैयार होगी, आइए आपको बताते हैं। मेरे फिल्म का नाम द रियल लाइफ है, वास्तविक जिंदगी, और ये इंडियन और ब्रिटिश की कहानी है। मतलब इंडियन और ब्रिटिश 15 अगस्त 1947 में भारत देश को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली है, ये सब तो आप सभी जानते ही हैं। इसका शूटिंग लोकेशन कहाँ कि रायपुर सिटी है, धमतरी, मतलब आसपास छत्तीसगढ़ में ही शूटिंग कर रहा हूँ मैं। ये मेरा लोकल लैंग्वेज की फर्स्ट मूवी है। बस इंडियन और ब्रिटिश की कहानी को सामने लाना, मतलब भारत देश में जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज क्या बोल रहे थे, भारत देश के पूर्वज जो अंग्रेजों के साथ संघर्ष किए वो क्या बोल रहे थे, है ना। 15 अगस्त 1947 में भारत देश को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली है। मैं तो अभी अपने फिल्मों में नए नए एक्टर एक्ट्रेस को ले रहा हूँ, जो लड़के लोग मतलब फिल्मों में काम करने के शौक़ रखते हैं, शौकिया तौर में काम करना चाह रहे हैं। वैसे मैं अपनी फिल्मों को दिखाकर जनसेवा कराऊंगा, ताकि पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए इन्वेस्ट कर सकूं और लोकल नागरिकों को उनके लोकल क्षेत्र में काम दे सकूं। मार्च से 11-12 मार्च के बीच मेरा फिल्म की शूटिंग चालू हो जाएगी। मतलब मेरा सारा काम तो ऑलरेडी रेडी, मतलब पहले से ही रेडी हो चुका है ना। बस थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं वो मार्च तक सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद 2 महीने के अंदर मेरा फिल्म शूटिंग पूरे रेडी हो जाएगा। क्लिपर 28 के लिए कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ अमित शर्मा, रायपुर। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्लिपर 28 द डिजिटल मीडिया।